शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार अश्विनी नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं, चंद्रमा आज मेष राशि में चलते रहेंगे जिसके राशि स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, हर काम में चतुर, ईश्वर भक्त, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों में सम्मान पाने वाले होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की अभूतपूर्व क्षमता, यात्रा प्रिय और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी रुचि आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रों में भी होती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद और मानसिक दबाव से राहत मिलेगी। आपके संघर्ष और आत्मविश्वास में रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। खुशहाली और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। अच्छे कामों में पूंजी निवेश का और खर्च की संभावना बनती है। कुछ मामलों में रुकावट या अवरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थी ऊर्जावान महसूस करेंगे और संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने सम्मान के प्रति सावधान रहें और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए दूर बैठे मित्र व सहयोगियों से भी लाभ की संभावना बनती है। कार्य योजनाओं के लिए छोटी यात्राएं संभावित हैं। भविष्य के लिए निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वयं और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आपकी कार्यशैली में बराबर सुधार होता जा रहा है। साथ ही उच्च ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास आपकी योजनाओं को बल दे रहे हैं, मगर प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम है। योजनाओं के प्रस्ताव लागू होते जाएंगे, लाभ मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विरोधियों की साजिश से सावधान रहें। आर्थिक क्षति संभावित है। किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। कर्क राशि के जातक धैर्य और आत्मविश्वास बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती जाएगी, मगर स्वयं को भावावेश में ना लाएं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आपके कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त सहयोग मिलता जाएगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अधिक व्यस्तता के कारण निजी संबंधों में तनाव संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल और सुविधाजनक रहेगा। अनावश्यक मानसिक बेचैनी और दबाव से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र से संघर्ष की मात्रा कम होगी और आपके प्रयास सार्थक होंगे। संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक प्रयास सफल होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अभी रखनी पड़ेगी। कन्या राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। विचारों में तेजी से परिवर्तन संभावित है। अपनी कार्य योजनाओं में ठोस निर्णय लेने से पहले सावधानी पूर्वक विचार विमर्श अपेक्षित है। व्यर्थ की भाग दौड़ से बचें। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य से अच्छा रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वाद विवाद से बचें। धैर्य और उत्साह बनाए रखें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। साझेदारी से लाभ और शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक जल्दबाजी और नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा।
धैर्य और संयम से उचित निर्णय लेते हुए अपनी योजनाओं को लागू करें। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा आपको मिलती रहेगी, प्रयास सार्थक होंगे, आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुरूप मिलता जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, किसी शुभ समाचार से हर्ष और खुशी महसूस होगी। अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, स्वास्थ्य सही रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने मित्र और सहयोगियों से सावधानी रखनी चाहिए। गुप्त शत्रु जैसा व्यवहार और संदिग्ध भूमिका संभावित है। कार्य क्षेत्र में अचानक रुकावट या गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हालांकि विषम परिस्थितियों में भी आप माहौल को नियंत्रित करने में सक्षम रहेंगे। परिवार के प्रेरणा और सहयोग बना रहेगा। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। वाणी की मिठास बनाकर रखें, कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, शिक्षा में सहयोग मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के राशि पर शनि और मंगल का आना धैर्य, सहनशीलता और परिश्रम करने की प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा। क्रमशः ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा, कार्य योजनाओं को अमल में लाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और उसमें आप सफल भी रहेंगे। बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। आज का दिन सही निर्णय लेने के लिए बहुत उपयुक्त है। आलस की प्रवृत्ति को नज़रअंदाज करते हुए ठोस पहल जारी रखें। लगभग सारे काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिवार में हर्ष और खुशी का वातावरण बना रहेगा। मकर राशि वाले जातक अपने बुद्धि कौशल और उच्च ऊर्जा स्तर से हर काम को सकुशल संपन्न करते जाएंगे। आज का गजकेसरी योग आपके सम्मान और उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। कार्य योजनाओं में आपका कुशल नेतृत्व लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साह भरा हुआ, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आर्थिक मामलों में संतुष्टि मिलेगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और हर काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को मित्र सहयोगियों से लाभ मिलेगा। आपके प्रयास से आर्थिक योजनाओं को गति मिलेगी। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात संभव है। अभिभावक और सहोदरों से प्रेरणा मिलेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मगर सकारात्मक परिणाम आने में कुछ देर हो सकती है। विरोधियों से सावधानी रखनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी उलझनें आज बनी रहेंगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कुछ नया अनुभव लेकर आएगा। आर्थिक लाभ मिलने से मन में उत्साह और व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी, मगर भावावेश में आकर कोई निर्णय गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अधिक जोखिम वाले काम करना और उधार देना उचित नहीं होगा। नए व्यावसायिक रिश्तों से लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय संघर्ष भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।